अस्सलाम वालेकुम किड्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। क्या हो रहा है? इस्लामियत का पीरियड है और हम इस्लामियत करेंगे जी। सबसे पहले क्या करेंगे जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, इसके क्या मायने हैं? शुरू करता हूँ या शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वो कौन सी ज़ात है? अल्लाह ताला की ज़ात है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम जो हमने सबक की रीडिंग की थी और सबक को दोहराई करी थी, हमने सबक याद किया था, हम उसके कुछ सवालात हैं जो आपसे पूछना चाहते हैं। आप जवाब देंगे? ठीक है, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। अच्छा जी, मैं पहला सवाल किससे पूछूं? आपसे पूछती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, तो इंसान अल्लाह ताला की मदद से चीज़ें बना रहा है, ठीक है? अल्लाह ताला की मदद से इंसान चीज़ें बना रहा है, तो आप ये बताइए कि एक पेंसिल है, वो मैंने किसकी मदद से बनाई है? अगर एक पेंसिल हो मेरे हाथ में है तो वो किसकी मदद से बनी है? जी, वो भी अल्लाह की मदद से बनी है। अच्छा, ये बताइए कि हम लकड़ी कहाँ से हासिल करते हैं? जी, दरख्त से हासिल करते हैं। ये बताइए, दरख्त हमारे किसी और काम आते हैं? जी, दरख्त से हम फल, सब्ज़ी और साया हासिल करते हैं। दरख्त एक मेन फंक्शन भी है दरख्त का। दरख्त हमें ऑक्सीजन भी देते हैं जी। आप अगली क्लासेस में साइंस में या फिर अगर गौर करें तो आपको मुख्तलिफ जगह पे पता चलेगा कि दरख्त जो हैं वो ऑक्सीजन बनाते हैं, और वो ऑक्सीजन हम सांस के ज़रिए अपने अंदर लेके जाते हैं, और ये हमारी लाइफ की बेसिक नीड है। अच्छा, ये बताइए कि हम आइसक्रीम खाते हैं, तो आइसक्रीम किससे बनती है? जी, आइसक्रीम दूध से बनती है। और दूध हमें कहाँ से मिलता है? जी, भैंस या गाय दूध देती हैं, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, कोई ऐसी चीज़ है जो हम अल्लाह की मदद के बग़ैर बना सकते हैं? नहीं है। अच्छा, ये बताइए, क्या गाय को इंसान ने बनाया है? जी नहीं, गाय को तो अल्लाह ताला ने बनाया है, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, दरख्तों को किसने उगाया है? जी, दरख्तों को भी अल्लाह ताला ने उगाया है। अच्छा, ये बताइए कि हम जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो क्या होता है? इससे हमें अल्लाह की मदद हासिल होती है। ओके, ठीक है। क्या ये बताएं कि जब आप सोते हैं और सो के उठते हैं तो हम फिर क्या पढ़ते हैं? जी, हम जब भी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। और बिस्मिल्लाह कहाँ पढ़ते हैं? जी, खाना शुरू करने से पहले, ठीक है। अच्छा, ये बताइए, आप सोते हैं कि अल्लाह ताला नींद लेते हैं या सोते हैं? जी नहीं, अल्लाह ताला तो नहीं सोते। अच्छा, ये बताइए कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो हम खाना शुरू करने से पहले पढ़ते हैं, तो खाने के बाद हम क्या पढ़ते हैं? जी, खाने के बाद हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हमने पहले अपने सबक में ये भी पढ़ा था कि हमने बार बार अपनी रूटीन में एक तस्बीह पढ़नी है। जी, तस्बीह फातिमा पढ़नी है। तो आप लोग पढ़ते हैं? पढ़ रहे हैं,
ठीक है, आज उसको भी दोहराते हैं कि तस्बीह फातिमा क्या होती है। जी सुभान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, और अल्लाह अकबर 34 बार। ठीक है। अच्छा जी, आज मैं ये भी बता रही हूँ कि आप लोग जब जुमे का दिन होता है तो आपने जुमे के दिन अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बार बार दुरूद पढ़ना है, सलाम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आपको अगर दुरूद इब्राहिम याद है तो आप वो भी पढ़ेंगे, नहीं तो आप सिर्फ़ सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ेंगे तो ये भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती या सलाम भेजने का एक तरीका है। ठीक है, तो जुमे के दिन ख़ास तौर पर आपने ये दुरूद की तस्बीह ज़रूर पढ़नी है। अच्छा जी, ये बताएं कि जब हम कोई चीज़ बना रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? जी ठीक है, यस, हमें अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को उनका हिस्सा देना चाहिए। ठीक है, हम इतनी चीज़ बनाएं कि हम तो खा सकें लेकिन इसमें किसी ना किसी को शरीक कर सकें। ठीक है ना, और कोई चीज़ हमारे पास वैसे कोई तोहफे में या कोई हमें देता है या कोई फ्रूट है हमारे पास ज़्यादा मकदार में आया है जिसको हम खा लें तो फिर भी बच जाए, तो हमें क्या करना है? जी शेयर कर देना है दूसरे लोगों से जो उसको या तो ख़रीद नहीं सकते या फिर वो हमारे मोहताज होते हैं, उनको शेयर करना है, या फिर अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को भी उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब ये बताइए कि आइसक्रीम किस किस को पसंद है? सबको पसंद है आइसक्रीम, तो आइसक्रीम तो दूध से बन रही है ना। अच्छा, तो दूध से और कौन कौन सी चीज़ें बन सकती हैं? जी दूध से आप मिल्क शेक भी बना रहे हैं, ओके, और दूध से आप बिस्किट, केक, जी लस्सी भी दूध से बन सकती है दही बनने के बाद। एक ही प्रोसेस होता है पूरा, दही बनती है फिर उसके बाद आप उससे लस्सी बनाते हैं और बाद में फिर वो बटर बन जाता है। ये एक बड़ा प्रोसेस है और हम उस प्रोसेस में जो चीज़ यूज़ करते हैं वो मेन चीज़ जो होती है वो है दूध। तो अच्छा बच्चों, हमने तो आज ओरल क्वेश्चन आंसर्स अपने याद किए कि हमने क्या पढ़ा और उसकी दोहराई की, ठीक है ना। तो अब हम अगली क्लास में ये सवालात जो कि हमारे सफ़ा नंबर 6 और सफ़ा नंबर 7 पर हैं उनकी मशक करेंगे। तो आप कोशिश करके उन सवालात को देखेंगे और सोचेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में उसका जवाब निकालेंगे। आपके टीचर आपसे फीडबैक के लिए आपसे वॉइस मैसेज पर आंसर लेंगी और आप इनको आंसर देंगे, ठीक है। और आप ये तमाम सवालात अपने घर वालों से भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, अगली क्लास में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।